ये सभा के तौर पर मंच पर नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर करुणानंद जी, डॉक्टर भदंत प्रज्ञादेव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर उदित राज जी, अभी अभी आपके बीच उपस्थित मोदी जी की सरकार के अंदर मिनिस्टर रामदास अठावले जी, मुंबई से उपस्थित बहन सलमा आराई, मंच का संचालन कर रहे राजकुमार जी और हमारे डॉक्टर रोकी हंते जी उपस्थित उज सभी संतगण, सभागार में उपस्थित सभी महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी नागरिक बंधुगण, मात्र शक्ति पत्रकार बंधु, जितना यात्रा के अंतर्गत मेरा डॉक्टर धम्म वीरेंद्र जी के साथ परिचय हुआ था। एक बहुत अधिक आयु होने के पश्चात भी समाज के अंदर संवेदना जगाने के लिए जो उनका परिश्रम था, वो परिश्रम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। समाज के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी, वो संवेदनशीलता भी हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज के इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी उसके महामंत्री संगठन सहायक होने के नाते और पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। नवनियुक्त अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे इस काम को करेंगे, हम सबका सहयोग भी उनके लिए रहेगा, ऐसी आशा भी व्यक्त करता हूँ। और एक बात को आपके बीच में कहकर, जिस आध्यात्मिकता के लोग करुणा का भाव, सेवा का भाव समाज के अंदर महात्मा बुद्ध ने जागृत किया था, आज भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है। समाज के इस कष्ट को देखकर उनके मन के अंदर करुणा भाव जागृत हुआ था। बाबा साहब ने उसी कष्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसके निदान के लिए अपना जीवन भी न्योछावर किया। आज हम सब लोग महात्मा बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर धम्म वीरयो, इन जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों से प्रेरणा लेकर देश के अंदर, विदेश के अंदर, दुनिया भर के अंदर इस आध्यात्मिकता के भाव को जगाने की आवश्यकता है। हम सब एक अच्छे साधक बनकर इस काम के अंदर लगे। सौभाग्य से आज के प्रधानमंत्री, उनके अंदर ये संवेदनशीलता, ये करुणा दिखाई देती है। गरीब दबे कुचले लोगों के प्रति कुछ करने का भाव दिखाई देता है। ऐसे सभी महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम सबको इस काम को और गति से बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे समाज के कष्ट दूर हो, दुनिया के अंदर सुख आए, दुनिया के अंदर शांति आए, आतंक से मुक्त ये दुनिया निर्माण हो। आज की श्रद्धांजलि के अवसर पर इतना संकल्प यदि हमने लिया और इस काम को करने के लिए हमने अपनी भी गति इसके साथ जोड़ी, तो डॉक्टर धम्म वीरयो जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपने दो शब्द ये रखते हुए, और मेरा भी एक आगे कार्यक्रम है, इसलिए बीच में कार्यक्रम से मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए क्षमा याचना करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ कर रहा हूं।